मध्य प्रदेश के मंदसौर के तोड़ी नगर क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा पीने का पानी सप्लाई न होने से परेशान महिलाएं नगर पालिका में अपने हाथों में मटका लेकर पहुंच गईं और सीएमओ ऑफिस के बाहर उन मटकों को फोड़ दिया और अपनी शिकायत बताती हुई कहा कि पिछले 15 दिनों से नगर पालिका पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के जारी होने की आशंका यहाँ बनी हुई है। जो पानी आ रहा है वह काफी गंदा पानी है। 15 दिन पहले नगर पालिका की मोटर खराब हो गई थी, अभी तक मोटर सुधार नहीं कराया गया है। इसके बाद से पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ के निवासियों में काफी आक्रोश नजर आया। आक्रोश महिलाओं ने नगर पालिका परिसर में खाली मटकों को फोड़ा। क्या नाम है आपका? मीना भाई। पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, वार्ड नंबर 26। मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट नगर पालिका में मंदसौर नगर पालिका आती है, कर के मामले में, पैसे के मामले में। लेकिन नगर पालिका की यह हालत है कि वो एक छोटी मोटर भी पानी की जनता को वो ठीक करा के नहीं दे पा रही, ये स्थिति। आज हमने यहाँ आके सीएमओ साहब को के कक्ष के सामने आके मटके फोड़े और ये कहा है कि जनता, अभी तो यह सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में क्या हाल होगा, जनता किस तरीके से आज ये मटके फोड़े। अगर सीएमओ साहब ने तुरंत कर्मचारियों को आदेश देकर अगर तुरंत मोटर चालू नहीं करी तो कल हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये सब टोड़ी वार्ड नंबर 26 से।